सत श्री अकाल निरपक्ष पोस्ट वेख रहे तुसी मैं नीरज कुमार जीवे की कोरोना की दूजी लहर तुहानू पता ही है काफ़ी खतरनाक जो है वह साबित हुंदी नज़र आ रही है। आए दिन कोरोना के नवे नवे अंकड़े जो ने वो नज़र आ रहे हैं तो साढ़े चैनल वालों भी यही कोशिश है कि तुहानू वध तो वध कोरोना दे कोरोना नू लैके जागरूक किया जाए ता जो तुसी अपने अते अपने परिवार की जो देखभाल है वह चंगे तरीके दे नाल कर सको। तो सेहत विभाग वालों जो गाइडलाइनस जारी हुंदियां ने उसकी जो पालना है वह बखूबी करया करो क्योंकि इस समय कोरोना का जो कहर है वह लगातार वधदा नज़र आ रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की भी कमी पाई जा रही है परंतु सरकार वालों बेहद प्रयास जो ने वो किए जा रहे हैं कि इस ऑक्सीजन की कमी के नाल वैक्सीन जो है उसकी भी उपलब्धता जो है वह की जाए ता जो कोरोना तो बचा जा सके। इस ही जेकर गल की जाए बीते 24 घंटे की कोरोना के मामलों को लैके तो तुम्हें दस दीए कि बीते 24 घंटे 3,23,244 के करीब जो ने कोरोना के नवे केस पूरे देश सामने आए हैं। 2700 तो भी वध मौत पूरे देश दे विच बीते 24 घंटिया च हुई ने तो पिछले दिनों के मुकाबले। हालांकि केसों के विच जो है वह कमी जरूर आई है परंतु जो मौतों का आंकड़ा वह लगातार वधदा ही नज़र आ रहा है। जेकर बीते 3-4 दिनों की गल की जाए तो 2500 तो भी वध मौत जो ने हुंदियां नज़र आ रही ने बीते 24 घंटिया च पूरे देश च। उस दे नाल ही तुहानू दस दईए कि 3,23,244 नवे केस सामने आने के नाल हुण तक भारत के विच कुल कोरोना संक्रमितों का जो अंकड़ा है वह 1,76,36,300 के करीब हो चुका है। उत्थे ही पूरे भारत से जेकर मौतों की गल की जाए कोरोना कारण तो तुहानू दस दईए कि पूरे भारत के 1,97,800 के करीब जो ने मौत हो चुकिया ने पूरे भारत के कोरोना के कारण। देश इस समय तुहानू दस दईए कि 28,82,000 के करीब जो इस समय सरगर्म मामले ने एक्टिव केस ने पूरे देश दे विच हुण तक। जेकर सेहतयाब अंकड़िया की गल की जाए तो हुण तक किन्ने जो लोग ने पूरे देश सेहतयाब हो चुके हैं तो तुहानू दस दईए कि उन्होंने जो अंकड़े ने 1,45,56,000 के करीब जो ने अंकड़े सेहतयाब हो चुके ने। लोग तुहानू दस दईए कि बीते 24 घंटिया च 2700 जो मौत हुई ने जिस विच 524 मौत जो ने महाराष्ट्र च 380 दिल्ली च 250 के करीब जो ने उत्तर प्रदेश से 220 के करीब छत्तीसगढ़ से 201 कर्नाटक 158 गुजरात से 124 जो ने झारखंड के हुई ने। इस दे नाल ही सूबे की गल की जाए पंजाब की तो पंजाब दे विच भी 100 के करीब जो ने मौतों का अनुमान लगाया जा रहा है। तुहानू दस दईए कि महाराष्ट्र च बीते 24 घंटिया च 48,600 तो वध मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र इस समय एक अजिहा सूबा जिथे सब तो वध जो ने कोरोना के मामले पाए जा रहे। हालांकि महाराष्ट्र के लॉकडाउन भी लगाया गया परंतु बावजूद इस दे लगातार जो नवे नवे मामले कोरोना के निकल के सामने आ रहे हैं। आए दिन अंकड़े जो ने काफ़ी ड्रामने होंगे जा रहे हैं। उत्थे ही जेकर उत्तर प्रदेश की गल की जाए तो उत्तर प्रदेश के भी 33,000 तो भी वध मामले कोरोना के नवे केस सामने आए हैं। कर्नाटक के 29,700 के करीब जो ने नवे मामले सामने आए हैं। उत्थे ही जेकर पंजाब की गल की जाए तो पंजाब के भी तुहानू दस दईए कि कोरोना का कहर जो है वह लगातार जारी है। तो जो बीते 24 घंटिया 900 के करीब जो ने नवे मामले सामने आए हैं तो करीब तुम्हें जिमें दसिया ही है कि 100 के करीब लोगों की जो है वह मौत भी हो चुकी है। सूबे में कोरोना कारण हुण तक 8,600 तो भी वध लोग जो ने अपनी जान गवा चुके हैं कोरोना के कारण। तो हुण तक सूबे 3,51,000 लोग कोरोना की लाग का शिकार हो चुके हैं। पंजाब इस समय 51,000 के करीब जो ने एक्टिव केस ने सरगर्म केस ने। इस एक राहत भरी खबर तुम्हें होर दस दईए कि हूँ जो है 18 साल तो वध दे लोगों लई वैक्सीन लई रजिस्ट्रेशन जो है वह अज तो शुरू हो जा रही है। तुम दस दईए कि www.covin.gov.in ते जाके तुसी अपने अते अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले ने वह बढ़ते जा रहे हैं जिसन देखते हुए केंद्र सरकार वालों जो है 18 साल तो वध उम्र के व्यक्तियों जो है वैक्सीनेशन की जो है वह इजाजत दे दी गई है। तो हुण रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। तो असी भी तुहानू यही सलाह देवांगे कि वध तो वध रजिस्ट्रेशन करवा के कोरोना की वैक्सीन जो है उसनू लगवाओ ता जो कोरोना तो जित प्राप्त की जा सके। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए कि लगातार वध रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश के करीब 150 जिलों के लॉकडाउन लाने का विचार किया है। तो जिथे संक्रमण दर भी तुम दस दी जिथे संक्रमण दर 15% है उत्थे जो है ये विचार किया जा रहा है। हालांकि जो फैसला लिया जाएगा वह सूबे के नाल जो है विचार वटांदरा करन तो बाद ही लिया जाएगा। इस तो पहले तुम्हें दस दीजिए कि PM नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन आखिरी विकल्प वजो यूज़ करने लिए किया सी। तो इस समय दसिया कि बीते 24 घंटे के रिपोर्ट रही है पूरे देश के कोरोना लैके। अजिंह होर खबर खास खबर जो ताज़ा खबर होंगे ने उन्हों की अपडेट लिए बने रहो तुम निरपक्ष पोस्ट के नाल खबर दी निरपक्ष आवाज़।
पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।